श्री सीताराम मंदिर अखंड कीर्तन सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में उसकी ब्रांच शाखा श्री शिव मंदिर रुड़काखुर में आज भव्य और दिव्य रुद्र महाभिषेक का प्रोग्राम किया गया और संपन्न हुआ। श्री सीताराम मंदिर अखंड कीर्तन सेवा ट्रस्ट अयोध्या जी शाखा वालों सावन महीने के शुभ मौके पर पुरातन शिव मंदिर शिव द्वाला रुड़का खुर्द गोराया विखे गद्दी नशीन श्री श्री 108 महंत पवनदास जी महाराज जी की अगुवाई समूहिक रुद्र अभिषेक किया गया। इस समूहिक रुद्र अभिषेक 55 जोड़िया समेत 150 के करीब श्रद्धालुओं ने पूजा की। अयोध्या तो आए महंत पवनदास ने पूजा करवाई। इस मौके महंत पवनदास ने दसिया कि पिछले साल भी समूहिक रुद्र अभिषेक करवाया गया सी। इस साल भी सावन दे महीने ते रुद्र अभिषेक करवाया गया है। इस तो इलावा मंदिर दे विच 12 ज्योतिर्लिंगा की स्थापना भी की गई है। उन्हें कहा कि बच्चों नू चंगे संस्कार ते परमात्मा दे नाल जोड़ना उन्हों का मकसद है ताकि वह अपने माता पिता का सम्मान करन। इस अवसर पर राम शरण दास महाराज, राम सुंदर दास महाराज, गिरीश गुप्ता, नरेश गुप्ता, मुनीश कौशल, प्रोफेसर रिशु, ननित गुगनानी, रोहित गाबा, आशीष शुक्ला दे इलावा संगत मौजूद सी। जय श्री राम। आज बड़ा ही पुनीत दिन है, बड़ा ही सौभाग्य की बात है। समस्त भक्तों ने पार्थिव पूजन और रुद्र महाभिषेक किया और ये विगत पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी हुआ है और निरंतर आगे भी इसी तरह होता रहेगा। और भोलेनाथ का ये प्राचीन शिव मंदिर है, कम से कम 150 साल से भी ज़्यादा पुराना। और बड़े महाराज जी कृपा से यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना पिछले ही साल की गई थी और बहुत ही सुंदर अवसर था आज। और भक्तों ने इस अवसर को बहुत ही स्नेह से और श्रद्धा विश्वास से निभाया। जय श्री राम। कितने महाराज, कितने भक्तों ने ये आज एक पिछली बार 54 जोड़े थे, इस बार 55 जोड़े थे और कम से कम 150 व्यक्ति होंगे और बच्चे भी साथ में थे, क्योंकि माता पिता का फर्ज बनता है अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दें। जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो बच्चों को हमेशा साथ में रखना ही चाहिए, क्योंकि वो भारत का भविष्य है। आगे जाकर के वो शिक्षा जो माता पिता से ग्रहण करेंगे, अच्छी शिक्षा, वही उनके जीवन में आगे काम आएगी। आज का जो ये महा पार्थिव पूजन एवं रुद्राभिषेक हुआ है छोटा रुड़का शिव मंदिर के प्रांगण में श्री श्री 108 श्री श्री महंत पवन कुमार दास जी महाराज के सानिध्य में, ये महाराज श्री का अपने भक्तों के प्रति सराहनीय और उदारता का ये भाव दिखा है कि संत जब अपने भक्तों का कुछ कल्याण करना चाहते हैं तो ये ऐसे ही अनुष्ठान कराते हैं। ये पूजन जो था ये अनुष्ठान था, ये महा रुद्राभिषेक पार्थिव पूजन का, जैसे अभिषेक को सभी करते हैं, अभिषेक भगवान भोलेनाथ का सभी करते हैं। वहाँ पर नर्मदेश्वर लिंग होते हैं, वहाँ पर शिवलिंग होते हैं, वहाँ पर पारद के शिवलिंग होते हैं, वहाँ पर स्फटिक के शिवलिंग होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो महत्व है वो पार्थिव शिवलिंग का है। पार्थिव शिवलिंग का महत्व इसलिए है कि भगवान राम ने रामेश्वरम में जाकर के वहाँ पर मिट्टी का पार्थिव बनवा करके बना के स्वयं अपने करकमलों के द्वारा, हाथों के द्वारा उन्होंने भगवान शिव की पूजा की। तभी से यह परंपरा पार्थिव पूजन का प्रारंभ हुआ। और श्रावण का जो महीना होता है ये भगवान शिव के लिए पूरे महीने का पुनीत अवसर होता है। और इस वर्ष का जो है ये 21 वर्षों के बाद में ऐसा योग आया है कि श्रावण महीने में पुरुषोत्तम मास भी लग रहा है, जो तीसरे साल पड़ता है। तो इस बार का जो भक्तों ने ये अनुष्ठान किया है, पार्थिव पूजन किया है, इसका उन्हें पूर्ण लाभ प्राप्त होगा और ये महाराज जी की कृपा भी उनके ऊपर बरसेगी। छोटा रुड़का शिव मंदिर श्री सीताराम मंदिर, ये आप गुराया से जो आपने इसका अवलोकन किया है, दर्शन किया है, यही इसकी पूरी प्रक्रिया है।